तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल। अभी तो भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का जो समर स्लैम में मैच होने वाला है उसका विनर रिवील हो चुका है। एंड कैसे ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, अभी तक तो WWE ने मैच भी ऑफिशियल नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बात कर लेते हैं हम लोग की ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का जो समर स्लैम में मैच होने वाला है उसका विनर कौन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो भाई ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे रॉयल रंबल अगर हम 24 के बारे में बात करें तो उसका विनर कौन होगा, उसकी भी रिपोर्ट्स अभी से आ चुकी है, बैटिंग ऑर्डर्स अभी से आ चुके हैं कि गुंथर उसको जीतने वाले हैं। तो ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल आई है। एंड बात कर लेते हैं कि कौन इस मैच को जीतने वाला है। तो भाई जो इस मैच को जीतेगा वो है कोडी रोड्स। यस, पॉसिबली जो रिपोर्ट आ रही है कि भाई कोडी रोड्स इस मैच को जीत सकते हैं एंड इस मैच की एंड इस फ्यूड की सीरीज को एंड कर देंगे, जो कि एक ट्रायो मैच सीरीज हमने देखने को मिली। एंड जो इस सीरीज के विनर निकलेंगे वो निकलेंगे कोडी रोड्स। हालांकि ब्रॉक लेसनर के लिए क्या ये चीज़ ठीक रहेगी एंड क्या ये एक स्टिपुलेशन वाला मैच हो सकता है एंड किस तरह से इसमें ब्रॉक लेसनर हारेंगे, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड WWE इस तरह इसको किस तरह से प्लान करेगी ये भी देखना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। हालांकि अभी तक तो ब्रॉक लेसनर ने भी कोई कोडी रोड्स के चैलेंज पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है एंड WWE ने भी अभी तक इस चीज़ पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। किस तरीके से चीज़ें आगे बिल्डअप होगी एंड किस तरह से वर्किंग होगा वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने वाली होगी। बाकी आप लोग का इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में बताना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।